हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं मारुति सुजुकी अर्टिका ZXi CNG का। तो इसी का रिव्यू करेंगे इस वीडियो में, जानेंगे उसके फीचर्स और ऑन रोड प्राइस के बारे में। इसमें जो वेरिएंट आते हैं वो जान लेते हैं, LXi, VXi, ZXi और ZXi Plus। इसका टॉप वेरियंट है ये ZXi गाड़ी है। इसमें आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिए गए, साथ में इंडिकेटर फॉग लैम्प कंपनी फिटेड मिल जाते हैं। एस का मोनोग्राम क्रोम फिनिश के साथ ब्लैक पियानो फिनिश मिल जाती है आपको इसमें फ्रंट में। बात करेंगे व्हीलो की, इसमें आपको डुअल टोन में अलॉय व्हील दिए गए हैं, जिनका साइज़ है 185/65 और 15 इंचेस के अलॉय व्हील मिल जाते हैं आपको। डुअल टोन में BS के टायर मिल जाएंगे। साइड मिरर पैटर्न इंडिकेटर दिए गए हैं। इसके डोर हैंडल आपको क्रोम पे मिल जाते हैं, टच बटन के साथ मिलेंगे। देखिए क्रोम हैंडल। ये रियर प्रोफाइल है गाड़ी की, तो रियर प्रोफाइल से भी काफ़ी अच्छा लुक है गाड़ी का देखने में। यहाँ पे आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाएगा, डिफोगर रियर वाइपर मिल जाते हैं आपको इसमें। CNG का स्टिकर दिया गया है, CNG गाड़ी है। एस का मोनोग्राम क्रोम फिनिश के साथ मिल जाएगा। LED टेल लैंप मिल जाते हैं, 4 पार्किंग सेंसर और 2 रिफ्लेक्टर मिल जाएंगे रियर के बम्परों पर। देखिए ये दूसरी साइड की प्रोफाइल है गाड़ी की, यहाँ से आप फ्यूल और CNG दोनों भरवा सकते हैं, उसका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। यहाँ से क्रोम पे मिल जाते हैं 4 डोर हैंडल और डोर रिक्वेस्ट स्विच भी मिल जाता है आपको इसमें। यहाँ पे देखिए, चलिए बैक डोर खोल लेते हैं, बूट स्पेस देख लेते हैं कैसा बूट स्पेस मिलता है आपको इसमें। तो इसमें आपको CNG का सिलेंडर लगा हुआ है, देखिए इसमें आपको 7 से 8 kg CNG आती है। अगर आप इसे पूरा फिल करवाएंगे तो 7 से 8 kg इसमें CNG आएगी। तो बूट स्पेस आप देख ही रहे हैं, इतना अच्छा खासा तो नहीं मिल पाता। अगर सीटें फोल्ड कर देते हैं तो बहुत ही अच्छा बूट स्पेस आपको इसमें मिल जाएगा। ये सीटें फोल्ड हो जाती हैं। ये देखिए मैंने सीटें फोल्ड कर दी है, तो देखिए बहुत ही बढ़िया बूट स्पेस आपको इसमें मिल जाता है सीटें फोल्ड करने के बाद। सेकेंड रो वाली सीटें भी फोल्ड हो जाती हैं, तो बूट स्पेस की प्रॉब्लम नहीं मिलेगी आपको इस गाड़ी में सीटें फोल्ड करने के बाद। चलिए रियर डोर का इंटीरियर देख लेते हैं। इसमें आपको इनसाइड विंडो क्रोम पे दिए गए हैं, पावर विंडो बूट रखने का स्पेस मिल जाएगा, स्पीकर मिलते हैं। ये टूल किट है आपकी गाड़ी की। हेडरेस्ट आपको 3 सीटों में मिल जाते हैं, देखिए इसको फोल्ड करके थर्ड रो वाली सीटों में जा सकते हैं। यहाँ पे आपको बोट रखने का स्पेस मिल जाता है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए ग्रिप असिस्टेंट मिल जाएंगे लेफ्ट राइट में, यहाँ पे भी ग्रिप असिस्टेंट दिए गए हैं। रीडिंग लैंप, 4 AC वेंट्स मिल जाते हैं, तो इसमें आपको 4 AC वेंट्स दिए गए हैं। देखिए हेडरेस्ट आपने देख लिए, यहाँ पे आर्मरेस्ट भी दिया गया है। यहाँ पे आपको लेगरूम देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया लेगरूम है, लेगरूम की प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। ये वाला डोर भी इनसाइड हैंडल क्रोम पे, पावर विंडो बोर्ड रखने का स्पेस दिया गया है, स्पीकर मिलते हैं। इसमें आपको चाइल्ड सेफ्टी लॉक भी दिया गया है, देखिए इसमें आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा। लेगरूम की प्रॉब्लम नहीं मिलेगी, बहुत ही बढ़िया लेगरूम मिल जाता है आपको। सेकंड रो वाली सीटों का, थर्ड रो वाली सीटों का लेगरूम थोड़ा कम मिलेगा आपको। ये देखिए थर्ड रो वाली सीटें हैं, इनका लेगरूम उतना अच्छा खासा नहीं मिल पाएगा। अपोस्टी आपको डुअल टोन में मिल जाती है, देखिए डुअल टोन में मिल जाएगी अपोस्टी। ये फ्रंट डैशबोर्ड की लुक है, मैं रियर पैसेंजर सीट पे बैठा हूँ, मैं फ्रंट डैशबोर्ड की एक लुक देता हूँ कैसा लगता है आपको फ्रंट डैशबोर्ड देखने में। तो रियर डोर का इंटीरियर आपने देख लिया, चलते हैं फ्रंट डोर का इंटीरियर देख लेते हैं। ये फ्रंट डोर का इंटीरियर देख लेते हैं। इसमें आपको देखिए ये वुडन फिनिश मिल जाएगी, ग्रे फिनिश जो दी गई है इनसाइड हैंडल क्रोम पे, 4 डोर पावर विंडो ऑटो के साथ लॉक अनलॉक, शीशों का लॉक कर सकते हैं, साइड मिरर को फोल्ड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल बोर्ड रखने का स्पेस मिल जाएगा, स्पीकर मिलते हैं।
इसमें आपको हाइट एडजस्ट और बैक एडजस्ट दोनों फीचर्स दिए गए हैं। यहाँ से हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से बैक एडजस्ट कर सकते हैं। हेडरेस्ट आपने देख लिया राइट साइड में, एसी वेंट्स। यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन क्रोम फिनिश के साथ मिल जाएगा। यहाँ पे हेडलाइट ट्रैवलिंग के, यहाँ पे ESP के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको CNG के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। CNG और पेट्रोल दोनों पे आप ड्राइव कर सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे स्विच दिया गया है। इसमें आपको MID देख लीजिए, इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आपको देखिए CNG बताएगा, यहाँ पे देखिए CNG शो कर रहा है। आपकी गाड़ी में CNG है और फ्यूल नहीं है तो वो भी शो कर रहा है। और टेम्परेचर किलोमीटर क्लॉक बताएगा। कुछ वार्निंग लाइटें भी जैसे कि आप देख रहे हैं दी गई है इसमें। ऑडियो कंट्रोल्स दिए गए हैं स्टेयरिंग व्हील पे, फोनी कंट्रोल्स भी दिए गए हैं, फ़ोन उठा सकते हैं। डिस्कनेक्ट वॉइस कमांड भी आप इसमें दे सकते हैं। फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग आपको इसमें मिल जाता है। राइट साइड में हेडलाइट के, लेफ्ट में वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ये इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा आपको, 7 इंचेस का है। इसमें आप FM AM प्ले कर सकते हैं आसानी से। और यहाँ पे आपको हजार्ड का स्विच मिल जाएगा। यहाँ पे आपको पूरी वुडन फिनिश मिल जाती है और ऑटो AC मिलेगा आपको इसमें। नीचे आएंगे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, USB ऑक्स के ऑप्शन, ये एयर कूल्ड दो कप होल्डर रखने का स्पेस मिल जाता है। एयर कूल्ड है ये। यहाँ पे आपको जो की दी गई है लॉक अनलॉक कर सकते हैं, और ब्लू कलर की है ये देख रहे हैं आप। ये एयर कूल्ड मिल जाता है दो कप होल्डर। यहाँ पे आपको गियर लीवर 5/1 रिवर्स ब्लैक पियानो फिनिश के साथ, हैंड ब्रेक लीवर क्रोम फिनिश के साथ। यहाँ पे आर्मरेस्ट दिया गया है कुछ स्पेस के साथ। और यहाँ पे आपको एक SRS एयर बैग और मिल जाएगा ड्राइवर साइड। ये आपका ग्लोव बॉक्स जो बहुत ही बढ़िया स्पेस, ये इनसाइड हैंडल क्रोम पे पावर विंडो बोर्ड रखने का स्पेस मिल जाता है। स्पीकर आपको इसमें दिए गए हैं। और इसमें आपको फ्रंट में सनवाइजर दिया गया है, रीडिंग लैंप, ब्लूटूथ माइक मिल जाते हैं, IRVM डे नाइट है। और ड्राइवर साइड से मैंने 3 मिनट के साथ दिया गया है ग्रिप असिस्टेंट। तो फ्रंट रियर डोर का एक्सटीरियर इंटीरियर फीचर्स आपने देख लिए। और इसमें जो इंजन दिया गया है, सो गाइस इसमें आपको इंजन जो दिया गया है 1462 CC का इंजन मिलेगा। बात करेंगे पावर की, तो इसमें आपको 103 BHP की पावर मिलेगी 6000 RPM पे। अगर हम टॉर्क की बात करते हैं 138 Nm की टॉर्क मिलेगी 4400 RPM पे। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसकी 60 लीटर की दी गई है। लेंथ है इसकी 4395 mm की इसकी लेंथ है। विड्थ है 1735 mm की और हाइट है 1690 mm की इसकी हाइट है। व्हील बेस है इसका 2740 mm का व्हील बेस है। बात करेंगे माइलेज की, तो इसमें आप अगर आप पेट्रोल में ड्राइव करते हैं आपको 20 KMPL की माइलेज मिलेगी, यानी 20 KMPL की। और CNG में ड्राइव करते हैं तो इसमें आपको 26 KM/kg की माइलेज मिलेगी। और कर्वेट है इसका 1135 kg का कर्वेट है। ग्राउंड क्लियरेंस है इसकी 180 mm की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। और टर्निंग रेडियस है इसका 5.2 मीटर का टर्निंग रेडियस है। और बात कर लेते हैं अब इसके प्राइस की, तो ZXI CNG का एक्स शोरूम प्राइस है 11,54,000। अगर हम ऑन रोड प्राइस की बात करें तो 13,38,000 इसका ऑन रोड प्राइस है। दिल्ली का प्राइस है जो मैंने आपको बताया। तो एक्स शोरूम और ऑन रोड दोनों प्राइस मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए। तो यही था इस वीडियो में। सीट बेल्ट पहनिए, हेलमेट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।